हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम 14 बैरोमीटर के बारे में जानेंगे। 14 बैरोमीटर में जाने से पहले हम लोग कन्वेंशनल बैरोमीटर के बारे में जानते हैं कि क्या होता है। कन्वेंशनल बैरोमीटर का इस्तेमाल जो है हम एटमोस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्या ज़रूरत पड़ा कि हमें 14 की तरफ स्विच करना पड़ा? पहले से हमारे पास एक कन्वेंशनल बैरोमीटर था, उससे हम इजिली मेज़र कर ही रहे थे प्रेशर। फिर ये क्या ज़रूरत पड़ी 14 बैरोमीटर को लाने की, तो इसके ऊपर देखते हैं कि पहले कन्वेंशनल में था क्या, पहले ये देख लेते हैं। तो उसमें हम क्या लेते थे, बीकर था, उसमें मरकरी फीड होता था और उसके अंदर हम इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब डालते थे, ठीक है। और ये जो डिफ्लेक्शन होता था, जैसे मान लो ये फ्री सरफेस से ये एच डिफ्लेक्शन होता था, तो हम प्रेशर बराबर बोलते थे रो जी एच, ठीक है। तो ये आपका पी एटमोस्फेरिक जो होगा डेट विल बी रो जी एच। तो यहाँ से एच डिफ्लेक्शन मिलता था, वो हम पुट कर देते रो जी से मल्टीप्लाई करते थे तो प्रेशर मिल जाता था। तो ये कन्वेंशनल तरीका था। तो इसमें प्रॉब्लम क्या था कि 14 को आना पड़ा। इसमें सबसे पहला प्रॉब्लम था कि जब आप मेज़र कर रहे हो तो आपको हर समय ये होल्ड करके रखना होगा, क्योंकि ये हवा में तो रहेगा नहीं, तो इसका मतलब ये हमेशा आपको पकड़ के रखना पड़ेगा। तो पकड़ के रखना ये कितना सही होगा कि कोई एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं और लगातार एक जगह पकड़े हुए हो, जस्ट बिकॉज कि आपको ये रीडिंग लेना है, प्रेशर निकालना है। तो ये सबसे बड़ी तकलीफ थी। तो हैंगिंग का सबसे बड़ा दिक्कत था। तो पहला प्रॉब्लम जो था वो हैंगिंग का था, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या था कि यहाँ तो चलो मान लो हम लोग यहाँ पर लैब में एक्सपेरिमेंट कर लिए, बट मान लो कि मुझे किसी हाइट पर जाना है, किसी पहाड़ पर जा करके मुझे प्रेशर मेजर करना है कि एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना है, तो वहाँ पर तो प्रेशर बदल चुका होगा। तो वहाँ पर सेम सेटअप को उठा करके आप ले जाओगे, अब ये कांच का मटेरियल को उठा करके आप पहाड़ पे लेके जाओगे, तो ये इसको लेके कैसे जाओगे? तो ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आएगा, तो ये पोर्टेबिलिटी इसका पुअर होगा, पोर्टेबिलिटी बोल सकते हैं, ले जाना बहुत कठिनाई वाली बात होगी। थर्ड है कि इसका जो हाइट है, ओवरऑल सेटअप का जो हाइट है, लगभग आपका 100 से 110 सेंटीमीटर तक जाता है, ठीक है। तो एक मीटर से आपका ऊपर का लेंथ होगा अगर आप पूरा सेटअप को लंबाई देखोगे। आपको मैंने बता रहा था कि अगर ये इसमें मरकरी फिटेड है तो एच लगभग आपका 76 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, ये मैंने बता रखा है। तो ये पूरा सेटअप आप देखेंगे तो एक मीटर से ऊपर जाता है। जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ज़्यादा पैकेजिंग में प्रॉब्लम आएगा, उतना ज़्यादा पोर्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आएगा। तो इसका लेंथ भी एक इशू था। तो हम ये बोल सकते हैं कि साइज़ जो है, साइज सेटअप ये लार्ज है। फोर्थ इशू प्रेशर के साथ क्या है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पर, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देखो, हाइट पे डिपेंड करता है, जी पे डिपेंड करता है और रो पे डिपेंड करता है। और रो क्या है, डेंसिटी है, और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जो होता है, जो फ्लूइड आपने इस्तेमाल कर रखा है, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो इनडायरेक्टली प्रेशर भी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो प्रेशर जो है वो फंक्शन होगा किसका, टेम्परेचर का। और ऐसे भी आप समझते हो, देखो मान लो कि ये मैं हूँ और ये ग्राउंड पे हूँ और ये पूरा एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो ये पूरा फोर्सेस लग रहे होंगे, ये यहाँ से ये सारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा मेरे ऊपर, ठीक है। बट मैं किसी हाइट पे चला हूँ, मैं यहाँ पे चला हूँ, तो अब जो मेरे ऊपर प्रेशर ऐड करेगा वो बस इतना दूरी करेगा, ठीक है। तो अब पहले की अपेक्षा अब कम हो गया है, प्रेशर मेरे ऊपर ऐड कर रहा है, तो मतलब प्रेशर डिक्रीज हो गया हाइट बढ़ने से। तो हाइट जैसे बढ़ा वैसे ही आपका प्रेशर आपका डिक्रीज कर गया। और आपको पता है कि हाइट पे जब जाते हो, जैसे हिली एरियाज में जाओगे, तो टेम्परेचर भी डाउन कर जाता है, तो टेम्परेचर भी आपका डाउन कर जाता है। तो आप एक चीज़ समझ रहे हैं, प्रेशर और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। तो आपको ये भी देखना होगा कि जब भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो आपको देखना होगा कि आप कहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। आप घर में बैठे हो, हाइट पे बैठे हो, कितने हाइट पे बैठे हो, ठीक है, वहाँ पर टेम्परेचर का क्या रोल है। तो हम यहाँ पर कहीं भी टेम्परेचर कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, तो हमको एक ऐसा सेटअप चाहिए जिसमें जब हम प्रेशर कैलकुलेट करें एट द सेम टाइम हम टेम्परेचर भी कैलकुलेट कर पाएँ। तो फोर्थ इशू क्या है कि टेम्परेचर मेजरमेंट नहीं था। डिवाइस मिसिंग। नेक्स्ट इशू क्या था कि जब मान लो कि आप इसको पकड़ के रखे हो, ठीक है, आपने एच की कैलकुलेट की। अब ये कोई बंदा जो पकड़ा हुआ है, कभी हो सकता है कि ये ऊपर नीचे कर दे,
या हो सकता है कि कोई बंदा अगर मेजर कर रहा होगा, यहाँ पर मैंने स्केल लगा रखा है तो स्केल का रीडिंग वो गलत रीड कर दे, तो उस केस में क्या होगा? अगर आपका एच की वैल्यू अगर गड़बड़ हो गई तो पी की वैल्यू भी गड़बड़ हो जाएगी, तो उस केस में आपका एक्यूरेट रीडिंग नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, एक्यूरेसी का कमी दिखता है। तो आप क्या बोल सकते हो कि लेस एक्यूरेट है। तो ये सारी जो कमियां हैं इन सबको दूर करने के लिए 14 बैरोमीटर आया है। तो 14 बैरोमीटर में जो बेसिक फंक्शनिंग है वो सेम रहेगा। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कि आप जो ग्लास में मरकरी को फिट किए थे वो आप करेंगे, अभी भी करेंगे, बट इसको प्रोटेक्टिव रख के करेंगे। तो इसके ऊपर मैं एक लेदर का कोटिंग कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका एक लेदर कह लो या रबड़ कह लो, रबड़ का मैंने ट्यूब दे दिया। फिर इसमें क्या था आपका, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब था। तो ये क्या है आपका टेस्ट ट्यूब। फिर ये जो पूरा सेटअप है, ये पूरा सेटअप को मैंने कवर कर रखा है विद द हेल्प ऑफ ब्रास मटेरियल। ये पूरा ब्रास मटेरियल है और ब्रास मटेरियल में कवर करके मैंने रखा है सो डैट पोर्टेबिलिटी में दिक्कत ना आए। और यहाँ पर हैंगिंग करने के लिए आपको एक ऑप्शन भी दे रखा है कि आप हैंग भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा सेटअप जो है ये ब्रास मटेरियल का है। यहाँ पर आपका स्केल होगा जिससे आप मेज़र करोगे। तो मान लो ये मरकरी हुआ, तो आपका एक स्केल बना देता हूँ यहाँ पर कि ये आपका एक स्केल हुआ। तो ये जो आपका स्केल है वो मेन स्केल है, इसी से आप मेनली रीडिंग लेते हो। तो ये आपका मेन स्केल हो गया। ठीक है, इसके साथ आप एक और स्केल इसके ऊपर इंक्लूडेड रहता है। तो इसी सेटअप पे आपको एक और स्केल दिखेगा, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल क्या है इसके बारे में मैंने पहले से वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर के देख लेना। वर्नियर स्केल रखने से क्या होगा, इसकी एक्यूरेसी फर्दर बढ़ जाएगी, मतलब आपका रीडिंग जो है मोर एक्यूरेट आएगा। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो प्रॉब्लम था लेस एक्यूरेट था वो एक्यूरेसी आपकी आ जाएगी। ठीक है, हैंगिंग करने का प्रॉब्लम खत्म हो गया। इसका पोर्टेबिलिटी अब करना ब्रास मटेरियल का है, आप इजिली इसको पोर्ट कर सकते हो, कहीं भी ले जा सकते हो। फिर जो साइज जो सेटअप है, ये ओवरऑल जो साइज है इसका, इसका जो साइज होगा लगभग आपका 85-90 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, तो आप देखो साइज में कितना रिडक्शन हो गया पहले के साइज और इसके साइज में, तो आपका और इजिली पोर्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर के लिए, एक अलग से यहीं पर सेक्शन बना होता है जहाँ पर आपका टेम्परेचर का रीडिंग के लिए बना होता है। तो यहाँ पर ये आपका थर्मामीटर, टेम्परेचर रीडिंग करने के लिए दे रखा होता है। ठीक, तो बेसिक फंक्शनिंग जो है वो सेम है जैसा कि आपका इसमें था कन्वेंशनल बैरोमीटर में। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक पॉइंटर लगा रहता है, यहाँ पर एक स्क्रू लगा रहता है, इसको स्क्रू बोल रहे हो। तो स्क्रू क्या होता है, जब इसको आप टाइट करोगे तो इसमें जो फ्लूड है, जैसे मरकरी इसमें फिट करते हैं तो मरकरी जो है लिफ्ट करेगा, जैसे जैसे आप टाइट करोगे ये लिफ्ट करेगा। तो ये जो ऊपर लिफ्ट करेगा तो इसको लिफ्ट करके हम ले जाते हैं पॉइंटर तक, और पॉइंटर आपका स्केल के इक्विवेलेंट होता है। मतलब इसका अगर जीरो रीडिंग और ये पॉइंटर साथ में मैच करना चाहिए तब आप स्टार्ट करोगे इस रीडिंग को लेना। ठीक, तो स्क्रू का फंक्शन क्या है, ये आपका लिक्विड को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहा है। अच्छा, कहाँ तक लिफ्ट करना है, जब तक ये पॉइंटर वाले पॉइंट को ये टच ना कर जाए, ये टिप जो है इसका पॉइंटर का जो टिप है वो लिक्विड के अपर सरफेस को टच ना कर जाए। ठीक है, जैसे ही टच कर देगा हम इसको स्क्रू को टाइट करना बंद कर देंगे, और ये जब यहाँ आ जाएगा तब आपका जो रीडिंग आएगा, ये जो आप एच कैलकुलेट करोगे यहाँ पे, डेट विल गिव यू द मोर एक्यूरेट रीडिंग। ठीक है, तो इस वजह से एक्यूरेसी इसकी बढ़ जाएगी। होप आपको 14 बैरोमीटर क्लियर होगा। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो काइंडली इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको वीडियो ये कैसा लगा कमेंट करके बताइए। किसी नए टॉपिक पर चाह रहे हैं कि मैं वीडियो लूँ तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, आपके सारे कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।